अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज 10th का 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। बेटा मैंने आपको दो टाइप्स वेव्स की बताई थी, मैकेनिकल वेव्स, और मैंने कहा था मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए, जिनके पैदा होने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आज जो पहले हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स, उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिकल वेव्स, दूज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स। ठीक है भाई, ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये बेटा दो तरह की होती हैं। एक हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ऐसी मैकेनिकल वेव्स जो पैरेलल मूव करते हैं, जिनके पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं वो हॉरिजॉन्टल, उस पर पैरेलल मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट इज पैरेलल टू द वाइब्रेशन। ये क्या करती है बेटा, पैरेलल मूव करती है। सपोज एक स्प्रिंग को हम फिक्स कर लेते हैं टेबल के ऊपर, इसको प्लेस करते हैं, ये सलंकी कहलाता है। जब हम अब इसको खींचते हैं जो एरियाज इसको खींचने से स्प्रिंग के अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, जो वो एरियाज जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वेरी क्लोज होते हैं, पार्टिकल जो है ये आगे पीछे मूव करते हैं, वो रीजन जहां पे पार्टिकल, अगर साउंड वेव्स होती तो वो रीजन जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं, इसको आप कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर है इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो पैर जब लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ वेव्स में पार्टिकल की जो मोशन होती है वो पैरेलल डायरेक्शन में होती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। ठीक है, और वो एरियाज बैक एंड फोर्थ मूव करने से स्प्रिंग के कुछ हिस्से एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, उसे कंप्रेशन कहते हैं, और कुछ हिस्से दूर दूर होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल के दरमियान फासला ज़्यादा होता है वहाँ दबाव या प्रेशर या फोर्स का प्रेशर जो है वो कम होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ये रेयरफैक्शन। ठीक, वाटर वेव्स फिर वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है,
तब भी ये एग्जांपल भी हमने किस में देनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप ट्रांसवर्स वेव्स में। इन दिस टाइप ऑफ अ वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहां लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने देखा था कि पार्टिकल जो है वो पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है। यहां हमने देखा है कि पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम टब के अंदर वाटर लेते हैं तो जब हम पेंसिल से टब के अंदर पानी के सरफेस को अप एंड डाउन मूवमेंट करा के पेंसिल की ऐसे टबोते ऊपर नीचे करते हैं तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे खड़े होके ऊपर नीचे मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है इस टाइप में मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अगर हम इसके ऊपर कोई कागज का टुकड़ा रखें, कार्ड का टुकड़ा रखते हैं तो जब हम उसकी मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो अपनी जगह पे खड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहा होगा। अब ये होगी तो मैकेनिकल वेव्स, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की ये ट्रांसफर टाइप जो है वो होगी कि मीडियम जो है वो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी पोजिशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैकेनिकल वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम की जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अगर मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अगर परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के तो फिर वो कौन सी टाइप बन जाएगी, ट्रांसवर्स वेव्स बन जाएगी। अगर सुनामी को अगर आप टेबल से प्लेस करके अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे तो वो फिर ट्रांसवर्स वेव में चली जाएगी, अगर आप टेबल से उसे फिक्स करके हॉरिजॉन्टल प्लेस करके फिर उसे आगे पीछे मूव कराएंगे तो वो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में चली जाएगी, ठीक है बेटा। इन मिसालों को तफसील से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं कौन सी मिसाल किधर पुट करनी है, ठीक है। कल इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।